सुंदर से लगे। बाथरूम के बाद फिर फेसबुक लाइव जीतेगा भारत, हारेगा पाकिस्तान, ये संदेश है अयोध्या के संतों के हाथ से। ये क्रिकेट के मैच के मैदान में क्रिकेट खेलते हुए आप देखिए, ये संत समाज यहाँ पर भारत माता की जय और टीम इंडिया के अंदर उत्साह वर्धन करने के लिए यहाँ पर इस समय क्रिकेट खेल रहे हैं। अयोध्या में क्रिकेट के मैदान में ये क्रिकेट खेलकर टीम इंडिया के अंदर हौसला बढ़ा रहे हैं। एक तरफ जो संत समाज जो अपनी वाणी से हमेशा सद्मार्ग दिखाते हैं, वही संत समाज आज हाथ में बैट लिए हुए हैं, गेंद लिए हुए हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रिकेट के माध्यम से जो है वो लोगों के अंदर संदेश दे रहे हैं कि भारत ही जीतेगा, पाकिस्तान की हार होगी और भारत के जो क्रिकेटर हैं उनके साथ पूरा भारत आज इस समय खेल रहा है। हमारे साथ जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी, उनसे बात करते हैं। जगत गुरु जी, किस तरीके से आप भारत की टीम के अंदर हौसला अफजाई कर रहे हैं? बस हम लोग खेल कर ये संदेश देना चाहते हैं कि पाकिस्तान को आज बुरी तरह भारत हराएगा उस मैच में, और निश्चित रूप से हराएगा क्योंकि ऐसा इतिहास रहा है कि बार बार जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान को हराता रहा है। तो हम लोग भी एक प्रतीकात्मक रूप से आज यहाँ से एक संदेश दे रहे हैं खेल करके, यहाँ से ऊर्जा हम लोग समझिए भारत इंडिया के साथ और टीम के साथ प्रेषित कर रहे हैं कि पूरी ऊर्जा के साथ जिस प्रकार से पिछले वर्षों में पाकिस्तान को या हर बार 12 बार हरा चुका है, अब की बार 13वां है, और तो हम लोग सोच यहाँ से एक ऊर्जा का संचरण कर रहे हैं कि पूरी तरह से इंडिया सशक्त हो और भारत पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से हराए, ये हम लोग देखने के लिए दिलचस्प हैं। 7:30 बजे देखेंगे हम एक बार फिर से, आप देखेंगे कि किस तरीके से क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। आप देखें कि यहाँ पे संत के साथ युवा समाज के लोग भी हैं, ये युवा जो ये दर्शा रहे हैं कि देखिए क्रिकेट के मैदान में संत और यहाँ के युवा एक साथ क्रिकेट खेल रहे हैं, और इस क्रिकेट के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि पूरा देश यहाँ क्रिकेट के मैदान में है और आज उस समय का इंतजार है जब मैच शुरू होगा, और मैच के शुरू होते ही जो है लोग अपने टेलीविजन पर उस पल का इंतजार में रहेंगे जब भारत की जीत दर्ज होगी। यहाँ पर युवा हैं, ये यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, इनसे बात करते हैं किस तरीके से आप अपनी टीम को चीयर कर रहे हैं, कैसे अपनी टीम को आप जो है उत्साहवर्धन कर रहे हैं। हाँ जी, इस बार थोड़ी सी कमी खलेगी महेंद्र सिंह धोनी की, लेकिन वो मैनेटर है तो उतने भी नहीं, लेकिन जो है विराट कोहली जो हैं उनको भी उतना अच्छे से कप्तानी नहीं कर पाते हैं, और इस बार जो है जो गेंदबाजी है वो गेंदबाजी बहुत अच्छी है, क्योंकि जो है इस बार IPL जो हुआ था उसमें से अच्छे अच्छे गेंदबाजों को चुन के लाया गया है भारतीय टीम में इंटरनेशनल खेलने के लिए, तो ये अच्छी रहेगी कि गेंदबाजी से जो है बहुत अच्छा रहेगा। आप कैसे क्या कहेंगे, किस तरीके से आप अपनी टीम को जो है अपने भारत की टीम को जो है हौसला बढ़ा रहे हैं? भारत इस बार विजय प्राप्त करेगा और हमेशा प्राप्त करते हुए आया है और प्राप्त करेगा। देखिए यहाँ पे और भी युवा हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, लेकिन इस बीच में आप देखिए कि ये हाईटेक बाबा हैं जो यहाँ पर बॉलिंग कर रहे हैं, और बॉलिंग के माध्यम से ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी देश की जो हमारी टीम इंडिया है उसकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। आप अभी बॉलिंग कर रहे थे, उस बॉलिंग के माध्यम से आप क्या संदेश दे रहे हैं? बॉलिंग के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि भारत जिस गति से विश्व में इस समय एक नंबर पर खेल रहा है, वैसे ही भारत के सारे गेंदबाज इतने अच्छे हैं, बुमराह हुए और बुमराह के साथ साथ स्पिन में आते हैं आपके चहल, ये सब लड़के बहुत अच्छा गेंदबाजी कर रहे हैं भारत के लिए। तो भारत पाकिस्तान को बुरी तरह से हराए और हरा करके
एक कड़ा संदेश दे कि हम नंबर वन हैं, विश्व गुरु हैं, हमारा खेल में, हम भारतीय टीम में जो इम्प्रूवमेंट है वो सबसे अच्छा है, हमारी टेम्परामेंट अच्छा है, हमारी फील्डिंग अच्छी है, हमारी बॉलिंग अच्छी है, हमारी बैटिंग अच्छी है, कागज़ में भी अच्छी है, ऐसे भी भारत, तो भारत जीते, यही शुभकामना मेरा। किस तरीके से आप शुभकामना दे रहे हैं? हम चाहते हैं कि जिस प्रकार जो है भारत जो पाकिस्तान पर हमेशा ही विजय प्राप्त किया किसी भी प्रकार से, तो हम चाहते हैं कि आज भी जो है भारत पाकिस्तान पर विजय प्राप्त करे, और हम लोग को जो घड़ी का इंतज़ार है वो घड़ी आने तक हम लोग वेट करेंगे, और इसका प्रतिफल ये आवे कि जो है भारत ने पाकिस्तान विजय प्राप्त किया है। जय सिया राम, मंगल कामना, शुभ बधाई। देखिए एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं कि कैसे, देखिए संत समाज जो है यहाँ पर ये क्रिकेट खेलकर अपने उस भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं कि भारत की जीत होगी और पूरा देश भारत के साथ खड़ा हुआ है। आप देखिए कि जय श्री राम के नारे भी यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, जय श्री राम के साथ साथ जो भारत माता की जय, भारत माता की जय के नारे, आप देख सकते हैं कितना उत्साह है लोगों का आज के दिन के लेकर, जो है कितना उत्साह है लोगों के लिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत वीरों की, भारत माता की। देखिए भारत वीरों की यहाँ पे जय किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे किस तरीके से आज जो है अब भारत की जीत होगी और कितना उत्साह है आपके अंदर कि आज भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है, भारत एक बार फिर जीतेगा। ये मैच बहुत ही महत्वपूर्ण मैच है, जिस तरह से हम लोग हर बार पाकिस्तान को हराए हैं आज भी इस तरह से हराएंगे, हमारी टीम पूरी जोश के साथ में उतरेगी और आज इंडिया फिर से एक बार जीतेगा। जय श्री राम, भारत माता की जय। आप कैसे, आप किस तरीके से अपनी टीम इंडिया का उत्साह वर्धन कर रहे हैं? हाँ, ये जो है पहले जो हमेशा जो है भारत जीता हुआ आ रहा है, इसलिए वो जीतेगा फिर जीतेगा, यही बात है कि सब उल्लासनीय है और जीतेगा, भारत जीतेगा। देखिए आपने देखा यहाँ पर कि चाहे युवा हो, छोटे बच्चे हो, संत के अग्रणी लोग हो, सभी लोग इच्छा करते हैं कि आज भारत की जीत होगी, पाकिस्तान की हार होगी, वो पल का इंतजार हो रहा है शाम के समय का, सब लोग अपने टेलीविजन पे होंगे, आपको भी हम उस पल को दिखाएंगे जब टेलीविजन पर लोग अपने घरों में बैठकर, संत समाज हो या गृहस्थ हो, सभी लोग अपने घरों में बैठकर भारत की जीत को देखेंगे, और जीत के बाद जब जश्न की बारी आएगी तो जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के फेसबुक लाइव पर वो पल भी आपको दिखाएंगे अयोध्या से कि कैसे भारत की जीत का जश्न अयोध्या में हर वर्ग, चाहे संत हो चाहे गृहस्थ, सब लोग मना रहे हैं।